हेलो एवरीवन, माई सेल्फ उमेश, आई एम अ जोनल हेड ऑफ तक्षशिला इंस्टीट्यूट दिल्ली। आज हम आए हैं अनदर वीडियो के साथ जिसमें आपको नीट 2020 काउंसलिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन किया जाएगा। व्हाट आर द प्रोसेसेस, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड, हाउ टू फिल द फॉर्म्स, हम एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। नीट काउंसलिंग जो कि MCC द्वारा कंडक्ट की जाती है, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी फॉर ऑल ओवर इंडिया कोटा एंड स्टेट 85% रिजर्वेशन कोटा। मींस अगर मैं आपसे फॉर एग्जांपल समझाऊं, दिल्ली में अगर कोई स्टूडेंट 11th एंड 12th अपना दिल्ली से पास करता है एंड दिल्ली से बिलोंग करता है और वो अपने कॉलेजेस के लिए ऑल ओवर इंडिया में किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है दिल्ली से बाहर, तो उसको 15% कोटा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर वो अपने स्टेट्स में मेडिकल कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना चाहता है तो देन ही कम्स अंडर द 85% कोटा। दीज आर द कोटा सिस्टम इन नीट काउंसलिंग। लेट्स प्रोसीड फर्दर। नाउ द राउंड्स इन नीट काउंसलिंग, देर विल बी 3 राउंड, द फर्स्ट राउंड, देन सेकेंड राउंड, देन द फाइनल राउंड विल बी योर मोप अप राउंड। दैट आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर नीट काउंसलिंग 2020, जहां पर आपको अपने प्रोसेस को शुरू करने के लिए नीट की वेबसाइट MCC.NIC.IN पर लॉगिन करना पड़ेगा। आपको अपनी डिटेल्स के साथ नीट UG काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा, जहां जो सेम इन्फॉर्मेशन आपके एडमिट कार्ड पे थी, योर नेम, योर डेट ऑफ बर्थ, योर फोटोग्राफ्स, एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन हियर अगेन, जहां से आपको एक लॉगिन ID एंड पासवर्ड जनरेट होगा, जिसके बाद आपको सीट्स अलॉटमेंट एंड सीट्स इंडिकेटिव ऑप्शंस अवेल किए जाएंगे, जहाँ पर आप अपने प्रेफरेंस ऑफ कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर मोर एग्जांपल लाइक कि अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट प्रेफरेंस में दिल्ली में एडमिशन लेना चाहता है, उसका पहला प्रेफरेंस है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, तो अपने फर्स्ट प्रेफरेंस के लिए वो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज जा लेगा। अगर उसकी सेकेंड प्रेफरेंस है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, इट्स डिपेंडिंग अपॉन द स्टूडेंट्स रैंक एज वेल एज देयर चॉइस, उसमें प्रेफरेंस के हिसाब से चॉइसेस फिल करेगा, देन उसको लॉक कर देगा। दैट विल बी योर फाइनल सीट प्रेफरेंस। बट यहाँ पर आपको सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक विंडो दिया जाता है, जहाँ पर आप अपने प्रेफरेंस ऑफ चॉइस को कभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज आफ्टर दिस स्पैन ऑफ टाइम आप उसको मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, दैट विल कंसीडर योर फाइनल चॉइस। देन जब फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग का रिजल्ट आता है, सो जिन स्टूडेंट का फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में सिलेक्शन हो जाता है, वो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, जो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा, अपने कॉलेजेस में रिपोर्ट करते हैं और अपनी सीट ऑफ चॉइसेस के अकॉर्डिंगली कॉलेजेस में फर्दर एडमिशन को फाइनलाइज करते हैं। इन केस अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि वो सेकेंड राउंड काउंसलिंग में जाए, उसकी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में चॉइस में उसका कॉलेजेस नहीं मिला है, तो एक विलिंगनेस भी सबमिट करेगा फॉर द फर्दर प्रोसेस ऑफ सेकेंड राउंड, जिसके लिए आपको रजिस्टर अगेन करना पड़ेगा MCC की वेबसाइट पे जाकर। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू नीड नॉट टू पे एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर दिस। एंड अनदर थिंग, अगर किसी स्टूडेंट का फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन नहीं होता है, देन सेम प्रोसेस ही हैव टू फॉलो, बच्चे को दोबारा अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा फॉर द सेकेंड राउंड काउंसलिंग, बट सेम थिंग, यू नीड नॉट टू पे एक्स्ट्रा कॉस्ट। देन आफ्टर द फर्स्ट राउंड देन सेकेंड राउंड का रिजल्ट आएगा, द सेम प्रोसेस, जिन बच्चों का सेकेंड राउंड में कॉलेजेस ऑफ प्रेफरेंस चॉइस मिल जाता है, वो अपने रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में रिपोर्ट करते हैं एंड अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के अपनी सीट्स को अलॉट कराते हैं। देन अगर किसी बच्चे का सेकेंड राउंड में भी सिलेक्शन नहीं हो पा जाता है, देन द काउंसलिंग विल एंड्स देयर, देन ओनली यू हैव ए ऑप्शन इज मोप अप राउंड। दैट आई विल एक्सप्लेन लेटर। यू कैन जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस चैट, यू कैन अंडरस्टैंड द प्रोसेस एग्जैक्टली। लेट्स प्रोसीड फर्दर। Now, the mop-up round. Mop-up round is actually, it's a final round after the first and second round, which is conducted by the MCC due to non-reporting and non-joining student. This is a last option for you. You have to register again yourself with the same detail and information for the mop-up round. And the result will be out within a week as per the guideline of MCC. Okay. Now, the important documents are required for the final seats allotment. You have to carry your all important documents, जिसमें बेटा आपका admit card, जो NEET admit card था, then your NEET results and rankle letter, your birth certificate from the prescribed government authority,
योर क्लास 10th सर्टिफिकेट, योर क्लास 12th सर्टिफिकेट, योर क्लास 12th मार्कशीट, 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो सेम फोटोग्राफ आपने नीट में अप्लाई करने के लिए अपलोड की थी, जस्ट रिमेंबर, एंड प्रोविजनल अलॉटमेंट जनरेटेड ऑनलाइन लेटर। ये लेटर आपकी लॉगिन आईडी में ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है जब आपको कोई कॉलेज की प्रेफरेंस सीट अलॉट कर दी जाती है। इसकी कॉपी को प्रिंट आउट लेके आपने अपने कॉलेजेस में सबमिट करना है। देन यू हैव टू कैरी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जिसमें आप कैरी कर सकते हैं अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी एंड पासपोर्ट एक्सेट्रा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को ओरिजिनल कैरी करना है, एज वेल एज उनकी फोटो कॉपीज को अटेस्टेड करके लेके जाना है। नाउ दिस ऑल दीज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ नीट काउंसलिंग 2020. नाउ तक्षशिला इंस्टीट्यूट इज हैविंग 32 सेंटर्स अक्रॉस इंडिया, जहां पर इंडिया के टॉप प्रेस्टिजियस एग्जाम इंजीनियरिंग एंड मेडिकल के लिए प्रिपरेशन कराई जाती है, एंड काउंसलिंग सेशन फॉर इंजीनियरिंग एंड मेडिकल। फॉर फर्दर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.takshilainstitute.in पर लॉग इन कर सकते हैं। थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक।